Okay. उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जिस तरीके से हमारे केंद्रीय नेतृत्व तो प्रदेश के नेतृत्व ने दारा सिंह चौहान जैसे पिछड़े समाज पे जो भरोसा करके उत्तर प्रदेश की विधान परिषद भेजने का संकल्प लिया है, उस भरोसे के साथ मैं करना चाहता हूं। आज हमारे एनडीए और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मिलकर संकल्प लिया है कि अब की बार 400 के पार तो उत्तर प्रदेश में 80-80 पार्लियामेंट की सचिवता करके हम इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार भारी बहुमत से प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। आपके सामने अखिलेश यादव ये बात कह रहे हैं कि पीडीओ को लेकर के जो काम विपक्ष कर रहा है, आपने एक तरीके से धोखा देने का काम किया। आप वहां पर थे उपचुनाव के बाद में, आप यहां पर आ गए। मैं पहले कह दिया, आज उत्तर प्रदेश ने देश इसका गवाह है कि जिस तरीके से आदरणीय देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में, आदरणीय नड्डा जी के नेतृत्व में जो देश में जो तीन प्रदेश का आम चुनाव हुआ है, और जिस तरीके से हमारे गृह मंत्री प्रधानमंत्री और नड्डा जी के नेतृत्व में आपने देखा होगा जितने बड़े पैमाने पर पिछड़े समाज के लोगों को हिस्सेदारी भागीदारी टिकट में नहीं उत्तर प्रदेश वहाँ के सरकार में भी एसटी को एसटी समाज को भी देकर के जो संदेश दिया है उस बिना पे मैं कह सकता हूँ, इस बुनियाद पर मैं कह सकता हूँ आज पूरा का पूरा पिछड़ा समाज आज भारतीय जनता पार्टी के साथ। आपकी राजभर जी की क्या जिम्मेदारी है 24 में? आपकी नहीं नहीं ठीक है, जो पार्टी का निर्देश होगा उसका अच्छा सा पालन करेंगे। मोदी जी को तीसरी प्रधानमंत्री बनाने के लिए पूरी ताकत लगा देंगे हम लोग।